कहते हैं प्यार जिंदगी को और ब्यूटीफुल बना देता है, खुशियों से भर देता है आपकी जिंदगी। आपका प्यार आपके हर गम और हर दर्द को मिटा देता है। पर क्या हो जब यही प्यार आपकी जिंदगी का एक कर्ज बन जाए, एक ऐसी सजा बन जाए जो हर पल आपको दर्द देती हो, आपको खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दे कि प्यार किया क्यों, फिर भी प्यार से खुद को अलग करने की हिम्मत आप कभी जुटा ही ना पाए। ऐसे ही प्यार की कहानी है गुड बाय माय प्रिंसेस, जिसमें प्यार मरहम भी लगाता है और वही जख्म देके उन जख्मों को कुरेदता भी है। कहानी एक ऐसी प्रिंसेस की है जिसके लिए आजादी, प्यार, परिवार, यही तीन चीजें मायने रखती है। लोग ये सोच के खुश होते हैं कि जब प्यार होता है तो जिंदगी बदल जाती है और खूबसूरत हो जाती है, पर हमारी प्रिंसेस को प्यार तो चाहिए पर अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं चाहिए। प्यार हो या शादी, उसके बाद भी उसे अपनी आजादी से प्यार है, फैमिली और दोस्तों के साथ से प्यार है। एंड देन हमारा दूसरा कैरेक्टर है प्रिंसेस का लॉयल मास्टर। इन दोनों ने अपनी जिंदगी के ज्यादा से ज्यादा पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं। मास्टर के साथ साथ ये प्रिंसेस का सबसे करीबी दोस्त भी है। पर क्या सच में इनके बीच सिर्फ दोस्त और मास्टर स्टूडेंट का ही रिश्ता है या उससे बढ़ के है कुछ? अब इस स्टोरी के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पर आते हैं, जो है एक दूर देश का प्रिंस, जो सिंपल है, स्वीट है, केयरिंग है, ओबीडियंट है, लोगों की रिस्पेक्ट भी करता है। पर फिर क्यों इस प्रिंस को हीरो की जगह ऑडियंस विलन का टैग देती है? हम ऑडियंस इस कैरेक्टर से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ऐसा क्या किया है इसने जिसने हमारी प्रिंसेस की लाइफ को श्राप बना दिया है? ये सारे राज खुलेंगे इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन में। तो अब चलिए कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं इस ड्रामा की। इस ड्रामा सीरीज का नाम है गुड बाय माय प्रिंसेस, ईस्टर्न पैलेस नाम के फेमस नॉवल पर बेस्ड है। कास्ट है फेंग शाओरान, चेंग शिंगशू एंड शॉन वे। एमडीएल पर इसकी रेटिंग है 8.3 एंड आईएमडीबी पर इसे रेट किया गया है 8 out of 10। आई थिंक ये काफी अच्छा स्कोर है। इस ड्रामा के दो वर्जन है, पहला वेब वर्जन जिसमें 52 एपिसोड है एंड यही वर्जन ऑनलाइन अवेलेबल है, बट इसमें काफी पार्ट्स लाइक कुछ सीन्स एंड प्लॉट्स मिसिंग है। एंड सेकेंड वर्जन है डायरेक्टर कट वर्जन, जो ओरिजिनल वर्जन है जिसमें टोटल 55 एपिसोड है, और मैं इसी डायरेक्टर कट वर्जन को ही बेस मानकर अपनी एक्सप्लेनेशन करूंगी। अब मैं आपको वो पॉइंट या फिर कहें रीजन बताती हूँ कि आपको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन क्यों देखना है। सो फर्स्ट पॉइंट है ट्रेजिक रोमांस। अगर आपको ट्रेजेडी, आंखों से भर भर के आंसू निकलवाने वाले रोमांस ड्रामा पसंद है एंड अगर आपको कोरियन ड्रामा मून लवर्स पसंद आया होगा तो ये ड्रामा तो बेस्ट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल। अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामास देखने में इंटरेस्ट आता है तो मैं बता रही हूँ मेरे लिए ये बेस्ट हिस्टोरिकल रोमांस ड्रामा है। मैंने इतना ज्यादा कनेक्टेड किसी भी हिस्टोरिकल ड्रामा के साथ फील नहीं किया है। अगर हिस्टोरिकल फैंटेसी में मेरा फेवरेट लव एंड रिडेम्पशन है तो हिस्टोरिकल ट्रेजिक रोमांस में मेरा फेवरेट ये वाला ड्रामा है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। इस ड्रामा के मेन लीड का कैरेक्टर कितना कॉम्प्लेक्स है ये तो ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखने के बाद ही आप समझ पाओगे। एंड सिर्फ मेल लीड ही नहीं, अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जिनका रियल रूप समझ ही नहीं आता है, समझ ही नहीं आता कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर है या फिर नेगेटिव। स्टोरी एंड प्लॉट। इस ड्रामा की मेन थीम है रोमांस, पॉलिटिक्स एंड ट्रेजेडी, और स्टोरी एंड प्लॉट में इन तीनों थीम को बहुत ही ब्यूटीफुली कम्बाइन किया गया है। ये नहीं कि कहानी के नाम पर कुछ भी घुसा दिया, मतलब एक लॉजिकल प्लॉट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई क्वालिटी प्रोडक्शन। ये ड्रामा हाई बजट ड्रामा है एंड ऑफ कोर्स इसके प्रोडक्शन क्वालिटी भी टॉप नॉच है। सिनेमेटोग्राफी, कॉस्ट्यूम, मेकअप, एस्थेटिक्स सभी में ये पास है। इमोशनल रोलर कोस्टर। ड्रामा में लव, हेट्रेड, हैप्पीनेस, बिट्रेयल, क्रुएल्टी, ट्रस्ट, पेन, हर इमोशन का ब्लेंड मिलेगा। ये ड्रामा आपको स्माइल भी कराएगा और उससे भी ज्यादा रुलाएगा। केमिस्ट्री एंड लव ट्राइंगल। ड्रामास में अगर आपको लव ट्राइंगल का फ्लेवर पसंद है तो इसमें तो लव स्क्वायर है, तो सोचे कितना इंटरेस्टिंग होगा देखना। ऊपर से जब लीड्स की केमिस्ट्री इतनी प्यारी हो, आप विश करोगे कि सबको सबका प्यार मिल जाए
हैप्पी एंडिंग हो जाए, जो पॉसिबल नहीं हो सकता ऑब्वियसली। अगला पॉइंट आता है बिट ऑफ फैंटेसी एलिमेंट। इस ड्रामा में थोड़ा सा फैंटेसी टच भी दिया गया है। एक ऐसा एलिमेंट ऐड किया गया है जिसका रेफरेंस हमें गॉड्स एंड डीमंस वाले फैंटेसी ड्रामास में मिलता है। सो अगर ये सारे पॉइंट्स आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है तो ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन मिस तो करना ही नहीं है। सो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे फर्स्ट पार्ट मिस ना हो जाए। एंड पार्ट वन जल्दी आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि मेरी इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी हो पाए, सो एटलीस्ट मैं इस ड्रामा को कुछ हद तक ही सही जस्टिस दे सकूं। और अगर आप मेरी एक्सप्लेनेशन इसे देख लेते हैं तो आपको ड्रामा देखने की जरूरत बिल्कुल महसूस ना हो, ऐसी कोशिश रहेगी मेरी। सो विद दिस थॉट मैं ये इंट्रो वीडियो यही एंड करती हूँ। विश मी लक गाइस, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज से बड़ा डर लगता है। एंड स्पेशली जब ऐसे हाई प्रोडक्शन चाइनीज ड्रामा की बात आती है तो मेरा लक थोड़ा क्या पूरा वीक हो जाता है। सो गाइस, आप लक की बारिश कर दीजिएगा मुझ पर, क्योंकि लव एंड रिडेम्पशन के बाद यही ड्रामा है जिसके लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ और मैं इस ड्रामा को एंड तक एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आई होप मैं कर पाऊँ। सो अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड पार्ट वन के साथ। जल्दी मिलेंगे, तब तक आप मेरे जो की भी चैनल पर मॉडर्न ड्रामास के एक्सप्लेनेशन का आनंद उठा सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।